हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको चार सेंटर्स के बारे में बताया था कि सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर। और सबसे पहले हमने सेंट्रोइड से स्टार्ट किया था और मैंने आपके साथ सेंट्रोइड के तीन पॉइंट डिस्कस किए थे। वो क्या क्या पॉइंट्स थे, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट था कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि मीडियंस जो होते हैं ट्रायंगल के, वो ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या था कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमेशा सम ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन से बड़ा होता है। अब हम आगे की बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपके साथ सेंट्रोइड के आगे के पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। बात करते हैं चौथे पॉइंट की सेंट्रोइड की। ये कि अगर मेरे पास ट्रायंगल एबीसी हो, कुछ इस प्रकार ट्रायंगल एबीसी जिसके वर्टिसेस एबीसी हो और मीडियंस एडी, बी और सीएफ हो, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी बनती है जो आपको याद रखना है कि एडी प्लस बी प्लस सीएफ हमेशा बड़ा होगा 3/4 ऑफ एबी प्लस बीसी प्लस सीए, यानी सम ऑफ लेंथ ऑफ मीडियंस हमेशा बड़ा होगा 3/4 ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ एडी प्लस बी प्लस सीएफ ऑलवेज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ एबी प्लस बीसी प्लस सीए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब इसको हम प्रूव करेंगे कि ये कहाँ से आया। तो अगर मुझे इसको प्रूव करना होगा तो मैं क्या करता हूँ, अगर जी सेंट्रोइड है तो मैं एजी को एक्स मान लूँ अगर, और बीजी को वाई मान लूँ और सीजी को जेड मान लूँ। तो अगर मैं ट्रायंगल एजीबी में फोकस करूँ, ट्रायंगल एजीबी, तो ये क्या होगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में लगाऊंगा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन ए बी, क्योंकि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। इसी तरह ट्रायंगल बी जी सी में अगर मैं देखूँ तो वाई प्लस जेड क्या होगा, वाई प्लस जेड हमेशा बड़ा होगा बी सी से। और ट्रायंगल ए जी सी में एक्स प्लस जेड हमेशा बड़ा होगा ए सी से। अगर इन तीनों इनइक्वालिटी को मैं अगर ऐड करूँ, तो अगर x x दो बार जुड़ेगा, y y भी दो बार जुड़ेगा, z z भी दो बार जुड़ेगा, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z बड़ा होगा ab प्लस bc प्लस ca। अब यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस जेड ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में एक पॉइंट बताया था कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ए डी को जो सेंट्रोइड जी है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ए जी क्या होगा, 2/3 ऑफ ए जी क्या होगा, 2/3 ऑफ ए डी, क्योंकि जो सेंट्रोइड है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी एजी की जो लंबाई होगी 2/3 ऑफ एडी होगा। और एजी मैंने क्या माना था, एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितना होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 ऑफ एडी। इसी तरह वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 ऑफ बीई, और जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 ऑफ सीएफ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, 2x की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, 2/3 ऑफ एडी, y की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, 2/3 ऑफ b, और z की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, 2/3 ऑफ cf प्लस 2/3 ऑफ cf ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे ये b प्लस bc प्लस ca होगा। अब यहाँ पे अगर मैं 2/3 कॉमन लूँ, तो 2/3 2 इंटू 2/3 ad
प्लस बी प्लस सी एफ ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना का 4/3। 4/3 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये कितना बन जाएगा ए डी प्लस बी प्लस सी एफ ऑलवेज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब बात करते हैं पांचवे पॉइंट की। तो पांचवे पॉइंट हम क्या सीखने वाले हैं, जब ट्राइंगल के मीडियंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी दो मीडियंस ट्राइंगल के एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें, तो क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन के आता है वो सीखते हैं हम। पांचवे पॉइंट पे हम बात करते हैं। पांचवे पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि जब मीडियंस ट्राइंगल के एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन के आता है वो देखते हैं हम। अगर हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ हो, ट्राइंगल ए बी सी जिसके मीडियंस बी और सी एफ हो, और ये मीडियंस में खास बात क्या है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें, तो क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन के आता है। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है कि ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 times ऑफ बी सी का स्क्वायर होता है। इसी को हम प्रूफ करने वाले हैं कि जब ट्राइंगल के दो मीडियंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कितना होगा 5 times ऑफ बी सी का स्क्वायर। तो आइए इसको प्रूव करते हैं कि ये कहाँ से आया। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ अज्यूम करना होगा कि बी जो है लेट करना होगा, बी क्या है 3x। अगर मैंने लेट कर लिया कि बी 3x है और सी एफ क्या है 3y है। इसको मैंने ऐसे क्यों माना 3x, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है यहाँ पे जी सेंट्रॉइड, अगर मैं मानूँ इस ट्रायंगल का, आप जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है जी, ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसलिए मैंने मीडियन के लेंथ 3x 3y इसलिए माने क्योंकि उसको मैं 2:1 के रेशियो में आसानी से डिवाइड कर सकूँ। तो यहाँ पे अगर बी को मैंने 3x माना, बी की लंबाई अगर मैं 3x मानूँ तो बी जी की लंबाई क्या होगा 2/3x, यानी 2/3x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और बी जी की लंबाई 2x हो जाएगा और जी ई की लंबाई x हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे सी एफ की लंबाई मैंने कितनी मानी थी 3y मानी थी, तो सी जी की लंबाई 2y हो जाएगी और एफ जी की लंबाई y हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, ई एफ को भी ज्वाइन कर देता हूँ ई एफ। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी जी सी 90 डिग्री है, तो एंगल एफ जी बी भी 90 डिग्री होगा, एंगल ई जी सी भी 90 डिग्री होगा और एंगल एफ जी ई भी 90 डिग्री होगा। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, तीन ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है कि ट्राइंगल एफ जी ई में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और ट्राइंगल एफ जी में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और ट्राइंगल ई जी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो आइए लगाते हैं। तो बात करते हैं ट्राइंगल ई जी एफ की। तो ई जी एफ में ट्राइंगल में एफ ई की लंबाई क्या होगी, हम मिड पॉइंट थ्योरम से देखें तो एफ क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ई क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ई एफ की लंबाई कितनी होगी, ई एफ की लंबाई बी सी अपॉन 2 होगी मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि जो ई एफ है ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ट्राइंगल के ई और एफ को। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ट्राइंगल ई जी एफ में। ई जी एफ में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर, और ये ई एफ कितना है बी सी अपॉन 2, यानी बी सी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। अब ट्राइंगल एफ जी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर हम, तो ये कितना बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इजकल टू बी एफ स्क्वायर। अब बी एफ क्या है ए बी अपॉन 2, क्योंकि एफ क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो बी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी अपॉन 2, यानी ए बी अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा ए बी अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा
ए बी स्क्वायर अपॉन 4, और ट्रायंगल ईजीसी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू ईसी का स्क्वायर, और ईसी यहां पे क्या है, एसी अपॉन 2, तो मैं लिख सकता हूं एसी अपॉन 2 का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा एसी स्क्वायर अपॉन 4। अब मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, और यहां पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा। अब यहां से अगर मैं 5 कॉमन लूंगा ये कितना हो जाएगा 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन 4, यानी 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर अपॉन 4 कितना होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा रिजल्ट आ गया कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना होगा 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर डाला कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना होगा 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर, जब मीडियम्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो 6th पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ अपोलोनियस थ्योरम के बारे में, तो आइए जानते हैं कि अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है। 6th पॉइंट में अपोलोनियस थ्योरम के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये थ्योरम होता क्या है। तो अगर मेरे सामने ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ हो, ट्रायंगल एबीसी जिसका मीडियन एडी हो, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना होगा ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। यहाँ पे डी सी क्या है, डी अगर मिड पॉइंट है क्योंकि ए डी तो मीडियन है, तो डी मिड पॉइंट होगा बी सी का, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि डी सी कितना होगा बी सी अपॉन 2, या बी डी कितना होगा बी सी अपॉन 2, यानी बी डी इजक्वल टू डी सी कितना, बी डी इजक्वल टू डी सी इजक्वल टू बी सी अपॉन 2। तो यहाँ पे मैं डी सी भी लिख सकता हूँ, बी डी भी लिख सकता हूँ, या अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना होगा ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, और मैं डी सी को क्या लिख सकता हूं, डी सी क्या है, डी सी क्या है बी सी का हाफ है, तो बी सी अपॉन 2 में लिख सकता हूं, बी सी अपॉन 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन 4। तो आप यहां पे एक बात देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि अगर मुझे ए बी का लेंथ बताओ, ए सी का लेंथ बताओ, तो मैं मीडियन ए डी का लेंथ पता कर सकता हूँ, और अगर मुझे ए बी का लेंथ बताओ और बी सी का लेंथ बताओ, अगर मुझे बी का लेंथ निकालना हो तो मैं ये निकाल सकता हूँ, ठीक, और अगर मुझे ए सी का लेंथ बताओ और बी सी का लेंथ बताओ तो मैं सी एफ मीडियन का लेंथ आसानी से निकाल सकता हूँ। तो ये पोलोनियस थ्योरम के हेल्प से मैं मीडियन का लेंथ निकाल सकता हूँ। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, तो 7th पॉइंट हम क्या सीखेंगे कि जब राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें हम मीडियंस ड्रॉ करें तो क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है वो हम देखते हैं। 7th पॉइंट में मैंने आपको बताया कि राइट एंगल, अगर मेरे पास ट्रायंगल दिया हुआ हो और हमारे पास ट्रायंगल राइट एंगल हो ए बी सी, यहाँ पे ए एल क्या है मीडियन है, बी एम क्या है ट्रायंगल का मीडियन है, और ये ए सी बी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है सी पे 90 डिग्री। तो हमें एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे निकल के आता है, वो क्या रिलेशन है वो देखते हैं कि ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर
इज इक्वल टू 5 बाई 4 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर, यानी मीडियन ए एल का स्क्वायर प्लस मीडियन बी एम का स्क्वायर कितना होगा, 5 बाई 4 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी यहाँ पे क्या हाइपोटेनियस है, यो ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर कितना होगा, 5 बाई 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपके जो कि आपको याद रखना है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ इस प्रकार हम मीडियंस ड्रॉ करें ये क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैं अगर बी सी को वाई मान लूँ और ए सी को एक्स मान लूँ, फिर से यहाँ पे ए एल क्या है मीडियन, यानी एल क्या है मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सी एल क्या है वाई अपॉन टू और बी एम क्या है मीडियन, यानी एम क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सी एम का लेंथ होगा वो कितना होगा एक्स अपॉन टू, क्योंकि ए सी मैंने क्या माना था एक्स माना था, तो ये कितना एक्स अपॉन टू हो जाएगा सी एम, और बी सी मैंने क्या माना था वाई माना था, तो ये सी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी वाई अपॉन टू। अब हमें क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम लगाना है ट्रायंगल ए सी एल में और ट्रायंगल सी बी एल में, तो वो लगाते हैं। अगर मैं ट्रायंगल ए सी एल को फोकस करूं और पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ट्रायंगल ए सी एल में अगर मैं देखूं, ट्रायंगल ए सी एल में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई टू का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर अपॉन फोर कितना होगा ए एल का स्क्वायर। अब बात करते हैं ट्रायंगल सी बी एम की, तो ट्रायंगल सी बी एम में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये कितना होगा y स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, यानी x अपॉन टू का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर अपॉन फोर, ये कितने के बराबर आएगा BM का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों को ऐड करूँगा, इन इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन फोर कितना होगा 5 अपॉन 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फोर कितना होगा 5 बाई 4 वाई स्क्वायर, ये कितने के बराबर आएगा ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं 5 बाई 4 कॉमन लूँ तो ये कितना आ जाएगा 5 बाई 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब हमें बड़े ट्रायंगल फोकस करना होगा, ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं देखूं तो ये कितना है ए सी की वैल्यू एक्स है और बी सी की वैल्यू वाई है, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा ए बी का स्क्वायर, ये उतना ए बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है हमें यहाँ पर पुट करना है, अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 5 बाई 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है ए बी स्क्वायर, ये कितना होगा ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर कितना होगा 5 बाई 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, जो मैंने प्रूव कर दिया। तो ये इतने पॉइंट्स हैं सेंट्रॉइड के, मैंने आपके साथ आज 4 पॉइंट डिस्कस किए, अगले लेक्चर में इससे आगे के पॉइंट डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।